दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप कोई भी क्वालकॉम डिवाइस का अगर आप एफआरपी अनलॉक करना चाहते हैं, चाहे कोई भी कंपनी का मोबाइल हो, किसी भी कंपनी का मोबाइल हो, अगर उसमें क्वालकॉम डिवाइस लगा हुआ है तो उसका आप एफआरपी अनलॉक कर सकते हैं यूएमटी डोंगल से। अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आप लास्ट तक कर देखते रहे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे एक्स मन्नान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा और अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, इस घंटे को आपने अभी तक नहीं दबाया है, तो इस घंटे को आप जरूर दबाएं। इससे यह होगा कि जब भी कोई नई वीडियो हम अपने YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप आसानी से देख सकेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अपने UMD डोंगल को पहले ओपन कर लेते हैं। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि UMD डोंगल का अल्टीमेट मल्टी टूल QC5 वाला जो टूल है, इसे हम यहां पर ओपन करेंगे अपने सिस्टम में। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि हमारा जो ये QC5 टूल जो है ये ओपन हो चुका है। उसके बाद मैं आपको एक तरफ यहां पे डिवाइस मैनेजर दिखा रहा हूं इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह से। और यहां पे आपको रीड एंड टूल पे क्लिक कर देना है और यहां पे क्लिक करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां तो दोस्तों यहां पे आपको बहुत सारा ऑप्शन यहां पे मिल जाएगा। आप फ्लैश फाइल यहां पे रीड कर सकते हैं, FRP अनलॉक कर सकते हैं। अगर FRP अनलॉक करेंगे आपको डायरेक्ट FRP पे क्लिक कर देना है, उसके बाद यहां पे आपको ओके दे देना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल बूट कराना है। तो मोबाइल को बूट कैसे कराएंगे, आप मोबाइल को बूट कराने के लिए आपको मोबाइल को ऑफ कर देना है। मोबाइल ऑफ करने के बाद उसमें वॉल्यूम प्लस माइनस दोनों को एक साथ आपको दबा के रखना है कंटिन्यू। उसके बाद आपको डाटा केबल लगा देना है और जैसे आप डाटा केबल लगाएंगे तो आपके डिवाइस मैनेजर में क्वालकॉम QD लोडर 9008 यहां पे शो करेगा। उसके बाद यहां पे FRP जो है रीसेट आपका हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि हमारा मोबाइल जो है बूट कर चुका है। हमारा यहां पे QD लोडर 9008 हमारे डिवाइस मैनेजर में शो कर रहा है और हमारा यहां पे FRP रीसेट हो रहा है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपका किसी काम आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।